सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी दविंदर में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर एक्चुअल में क्या है और कैसी कैसी ऐप्स हम उसमें बना सकते हैं और कौन कौन सी कंपनीज या ऐप्स उसे यूज़ कर रही हैं इस टाइम पे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल हमारी मल्टी पेज एप्लीकेशन हैं या जो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन जो हम जो एंगुलर में बिल्ड करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर का तो हमें पता ही है, तो वेब एप्लीकेशन भी उसी सॉफ्टवेयर की तरह होती है। व्हाट आपने उसके सामने देखा ही है, लिखा हुआ है वेब। सो वेब एप्लीकेशन एक तरह का प्रोग्राम ही होता है जो कि एक रिमोट सर्वर पे स्टोर होता है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो लोकली हम अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही वेब एप्लीकेशन जो होती है जैसे वेबसाइट्स होती हैं वैसे ही एक रिमोट पीसी पे वो स्टोर्ड होती हैं। और जब हम ब्राउजर ओपन करते हैं अपना, उस ब्राउजर के थ्रू जैसे हम अपनी वेबसाइट्स यूज करते हैं वैसे ही उस वेब एप्लीकेशन को भी हम चला सकते हैं। मीन्स होती तो वो भी वेबसाइट्स ही हैं एक तरह से। सो वेब एप्लीकेशन जो है उनको चलाने के लिए उन्हें डाउनलोड नहीं करना पड़ता जैसे हम ट्रेडिशनल जो नेटिव सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं, क्योंकि जो वेब एप्लीकेशन होती हैं वो वेब सर्वर या कह लीजिए नेटवर्क के थ्रू ही काम करती हैं। और वेब एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं उनको हम वेब ब्राउजर के थ्रू यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रोम हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया या सफारी या एज हो गया। आप कोई भी वेब ब्राउजर को यूज करके एक वेब एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो एक वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। एक हमारा हो गया वेब सर्वर, मीन्स वो सर्वर जिस पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। एक हो गया हमारा एप्लीकेशन सर्वर और एक हो गया हमारा डेटाबेस, मीन्स जहां पे हम अपनी ऐप का जो डेटा है वो स्टोर करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें वेब एप्लीकेशंस को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला, सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये हो गया कि एक बार हमने एक वेब ऐप को होस्ट कर दिया सर्वर पे तो उसे जितने मर्जी नंबर ऑफ यूजर्स जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं सेम वर्जन को। तो अगर हमें अपडेट भी करने पड़े ऐप तो हम सर्वर पे अपडेट करेंगे और सभी यूजर तक वो ऐप जो है हमारी खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तो ये नहीं है कि हमें एक एक जाके पीसी पे खुद उसे क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी और अच्छी बात वो है कि हमें वेब एप्लीकेशंस को कभी भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही हैं, क्योंकि ये तो चलती ही वेब ब्राउजर के थ्रू है। तीसरा ये हो गया कि वेब ऐप्स जो है उन्हें हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर डेस्कटॉप की ऐप है तो डेस्कटॉप पे ही चलेगी। तो हम जो वेब ऐप्स हैं हमारी वो उसको डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल किसी भी तरह की डिवाइस से डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। और चौथा पॉइंट कि हमारे पास जितने भी तरह के हमारे पास ब्राउजर्स हैं, मीन्स वेब ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, मोजिला या और भी माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह वेब ब्राउजर्स हैं, उनके थ्रू हम अपनी जो वेब ऐप्स हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि मल्टी पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो जो हम आज तक जितने भी वेब पेज यूज करते आए हैं, जो भी हम ऐप्स यूज करते हैं वेब पे मीन्स अपने ब्राउजर में, सारी मल्टी पेज एप्लीकेशंस लगभग होती थी। तो जितनी बार भी हम किसी लिंक पे किसी बटन पे क्लिक करते थे तो क्या होता था कि जो रिक्वेस्ट होती थी, मीन्स मैंने क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट कहां तो जाती थी, सर्वर तक जाती थी। तो सर्वर उसे प्रोसेस करता था, उसे रेंडर करता था और फिर से हमें रिटर्न में क्या देता था, एक न्यू HTML पेज देता था। तो वो जितनी बार भी वो पेज आता था उतनी बार भी ब्राउजर क्या करता था, उसे रिफ्रेश करता था। मीन्स पेज जो है, जो हमारी वेबसाइट है वो रीलोड होती थी एक तरह से। तो आगे हम देखते हैं कि इसके क्या हमें फायदे हैं और क्या नुकसान है जो हमारी मल्टी पेज एप्लीकेशंस थी। सो सबसे पहला जो फायदा है तो वो तो ये है कि अगर हम पता करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में कितने लिंक है, क्या उसका मैप है, कौन से लिंक कहां तक जाते हैं, तो मीन्स मान लीजिए कि हमें एक मैप चाहिए कि साइट में हम कहां कहां पे जा सकते हैं आराम से डायरेक्टली अलग अलग पेज पे, तो वो मल्टी पेज एप्लीकेशन में एक सिंपल सी ही अप्रोच थी। तो अगर हम मल्टी पेज एप्लीकेशन के कॉन्स की बात करें तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि फ्रंट एंड और बैक एंड जो है बुरी तरह से कपल्ड होता है, टाइटली कपल्ड होता है। मीन्स अगर हम बैक एंड पे कुछ भी चेंज कर देते हैं, मीन्स जो हमारी कोडिंग है, तो फ्रंट एंड पे उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है, हमें फ्रंट एंड पे भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो दूसरा जो हमें फायदा है
कि जो मल्टी पेज एप्लीकेशंस होती हैं वो सर्च इंजन के लिए बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। मीन्स हम बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सर्च इंजन के लिए, कि हमारी इसमें ऐसे हम कीवर्ड्स दे सकते हैं कि हमारी साइट जो है रैंक कर जाए अच्छी तरह से। तो जो हमारी दूसरी वेबसाइट्स हैं सिंगल पेज, उनमें ये काम थोड़ा मुश्किल होता है। बट जो नया एंगुलर यूनिवर्सल आया है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उन हमारे जो सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली रैंक करवा सकते हैं। तो अगर हम दूसरी ओर कॉन्स की बात करें मल्टी पेज एप्लीकेशन में, तो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है इसमें। तो हमें अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क यूज करने पड़ते हैं क्लाइंट के लिए, सर्वर साइड के लिए। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एप्लीकेशन को डेवलप करने में हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। कुछ इस तरह से लाइफ साइकिल होता है जो हमारी मल्टी पेज एप्लीकेशन होती है। तो आप देख सकते हैं क्लाइंट की ओर से एक एरो बना हुआ है सर्वर की ओर। तो ये हो गया कि हमने वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट की है। तो अगर वो रिक्वेस्ट फुलफिल होती है तो सर्वर हमें क्या रिटर्न में देता है, फिर से सर्वर की ओर से एक एरो बना है क्लाइंट की ओर, तो वो हमें एक पेज रिटर्न में देता है, HTML का पेज। तो फिर से क्लाइंट अगर किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट करता है किसी भी वेब पेज के लिए, या कुछ भी आपने फिल किया फॉर्म, कोई भी लिस्ट देखी या कोई भी लिंक पे क्लिक किया, तो हमारी रिक्वेस्ट जो फिर से सर्वर तक जाती है, सर्वर फिर से उसे रेंडर करता है और फिर से HTML की फॉर्म में क्लाइंट को रिटर्न करता है। तो ये प्रोसेस जो है, जो ट्रेडिशनल हमारा वेब पेज है या वेब ऐप है, उसमें रिपीट होती रहती है। तो अब बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस की। तो सिंगल पेज एप्लीकेशंस में खासियत क्या होती है कि जो पूरे का पूरा हमारा ये मान लीजिए कि ऐप है, एक ही बार में लोड हो जाती है हमारे क्लाइंट ब्राउजर पे। तो जब पहला पेज हमारा लोड होता है उसके बाद का जितना भी काम है, मीन सर्वर के साथ अगर हमारी कोई भी इंटरेक्शन होती है वो एजेक्स के थ्रू ही होती है ऑटोमेटिकली। तो एजेक्स कॉल जो होती है वो कभी भी मार्कअप नहीं रिटर्न करती, मीन उसमें कोई टैग नहीं आती हमारे पास, सिंपली उसमें हमारे पास जेसन डाटा आता है और उस डाटा को यूज करके, मीन जो जेसन का हमारे पास डाटा आया है, तो पेज में जो भी चीजें होंगी वो अपडेट होंगी। मीन्स तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पेज को रीलोड नहीं करना पड़ता, पेज जो है ऐसे ही उसमें जो डाटा होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा बिना पेज रीलोड हुए। तो इसकी एग्जांपल अगर हम माने तो इसमें जीमेल, गूगल मैप्स हमारे, तो फेसबुक हो गई, गिटहब हो गई, ऐसे ही और भी बहुत सी साइट्स हैं या कह लीजिए एप्लीकेशंस हैं जो सिंगल पेज का सिनेरियो जो है एप्लीकेशन का उसको फॉलो करती हैं। तो आइए अब देखते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल। तो देखने में तो ये बिल्कुल मल्टी पेज एप्लीकेशन की तरह है, बट अगर आप देखें इनिशियल रिक्वेस्ट के बाद हमें HTML मिली, और जब हमने सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट किया या थर्ड टाइम रिक्वेस्ट करेंगे बार बार, तो एजेक्स के जरिए जो है हम डेटा कॉल करेंगे। तो एजेक्स के बाद में जब एजेक्स की रिक्वेस्ट होगी तो रिटर्न में जो डेटा हमें मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, हमेशा जेसन फॉर्म में होगा, तो डायरेक्टली हमारे पेज में वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ हम प्रॉस देखते हैं एसपीए की। तो अगर हम देखें तो हमारी जो एप्लीकेशन एसपीए की होती है वो ज्यादा फ्लूइड होती है, या कह लीजिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, क्योंकि बार बार जो हमें सर्वर तक रिक्वेस्ट लेके जानी पड़ती थी वो नहीं हमें लेके जानी पड़ती। मीन्स आपको जो है रीलोडिंग का इफेक्ट या री रेंडरिंग का इफेक्ट जैसे लिखा हुआ है कि वो देखने को आपको नहीं मिलेगा, मीन्स ये पता भी नहीं चलेगा कि पेज जो है उसमें डेटा रिफ्रेश होते टाइम पेज रिफ्रेश भी हुआ है, मीन्स पेज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसमें डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो डेटा जो है जब भी जाएगा वो कैसे फॉर्म में जाएगा, जेसन फॉर्म में, क्रिएट मीन्स जेसन की फॉर्म में ही हमेशा जाएगा। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है, कहने का मतलब है जो HTML वो अलग से ट्रीट होगी और जो हमारा एप्लीकेशन लॉजिक होगा उसको हम अलग से ट्रीट कर सकते हैं, मीन्स जो जेसन डाटा है उसको हम अलग से प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया कि एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड ये नहीं है, मीन्स जो हमारा इंटरफेस है, जो हमारा डेटा है या बैकएंड है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारे पास जो हमारे क्लाइंट है उनको क्या करना पड़ेगा कि कौन सी HTTP रिक्वेस्ट को हमने सेंड करना है, उसने ये नहीं देखना कि सर्वर ने जो बैकएंड पे है कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट किया है। तो हमारा काम है, हमारे पेज का काम है सिर्फ रिक्वेस्ट भेजना, सर्वर ने उसे कैसे इंप्लीमेंट किया है
उसको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम को ये देखने की जरूरत नहीं है। और अगला पॉइंट ये हमें बता रहा है कि इस आर्किटेक्चर को अगर हम यूज करते हैं तो जो हमारा क्लाइंट है या हमारे जो सर्विसेज हैं बैकएंड पे चल रही है वो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मीन्स अगर हम बैकएंड पे कोई सर्विस को बदल भी देते हैं तो उसका क्लाइंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम क्लाइंट पे कुछ चीज चेंज करने की जरूरत है तो क्लाइंट पे भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमें बैकएंड पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत ही मिनिमम हमें चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि दूसरे एक दूसरे पे दोनों चीजें डिपेंडेंट नहीं है, ना फ्रंट एंड और ना बैक एंड। तो अभी बात करते हैं कॉन्स की। तो अगर हम उसके कुछ प्रॉस है तो कॉन्स भी हमें जरूर देखने को मिलेंगी। तो पहली तो बात ये होगी कि हमारे पास क्लाइंट फ्रेमवर्क जो है उनको जो लोड करने का टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। मीन्स हमारी जो वेबसाइट है स्टार्टिंग में जो है वो स्लो होगी, जो ऐप है अगर आप बात करेंगे उसके चलने की स्पीड थोड़ी जो है क्लाइंट पे लोड होने की स्पीड जो है थोड़ी लो होगी, स्लो होगी। तो अगर हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशन से इन्हें कंपेयर करें, जो एसपी है उसको मानते हैं कि ये कम सिक्योर है, बट आजकल जो है जो नए फ्रेमवर्क नई अपडेट्स आई हैं उसमें सिक्योरिटी काफी आ गई है। तो पहली तो बात है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है इसमें, इससे अटैकर्स जो है क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत क्लाइंट साइड की स्क्रिप्ट को अपनी एप्लीकेशन जो है हमारी उसके साथ इंटेग्रेट कर सकते हैं। बट इसके लिए अपडेट्स आ रही हैं अभी, तो कुछ आ भी चुकी हैं। सो मेमोरी लीक की अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट में, वो भी क्या कर सकती है हमारे सिस्टम को बुरी तरह से स्लो डाउन कर सकती है। मीन्स अगर किसी भी तरह की कोई एरर है जावास्क्रिप्ट में तो हमारी ऐप के डाउनलोडिंग का टाइम जो है, मीन्स ये मान लीजिए पेज के लोड होने का टाइम जो है बहुत ही कम मीन्स ज्यादा हो जाएगा। आज हमने पढ़ा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपके मन में कैसा भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लाइब्रेरीज जो होती हैं और जो फ्रेमवर्क है उनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है कि दोनों एग्जैक्टली सेम थिंग है। बट हम अगले जो लेक्चर है अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंस है उन दोनों में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और हिट करें बेल बटन दोस्तों। धन्यवाद।